यशोमती मैया के नंद लाला। कोई तो था, किसी ने तो मुझे धक्का दिया है। ये संभव नहीं है महाराज, इस कक्ष की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक चींटी भी बिना सुरक्षा जांच के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु ऐसा हो सकता है जब वो विष्णु अपनी माया का प्रयोग करे। ओ विष्णु मायावी है, छलिया है, वो कुछ भी कर सकता है। विष्णु इस बार मेरे हाथ से निकल गया था। लौह को लौह काटता है, विष का उपचार है विष, और माया का माया। क्या कहना चाहती हो? यही, किस कार्य के लिए पूतना और श्रीधर जैसों का चुनाव उचित नहीं था। ये सभी तो मानव देहधारी थे, जिनकी पहचान सरलता से की जा सकती थी। इस कार्य के लिए आपको किसी ऐसे का चुनाव करना होगा जो मायावी हो, जो अपनी इच्छा शक्तियों से कहीं भी आ जा सकता हो, जो कि इस वातावरण का, इस प्रकृति का हिस्सा लगे, जैसे कि कोई पशु पक्षी। कभी कभी तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता हूं कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या कपटी। मैं जानता हूं कि अब मुझे किसे भेजना है, कौन है इस कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। यशोदा, यशोदा, अवश्य ही पूरे गांव में ढिंडोरा पीट पीट कर बता रही होगी सबको। हे प्रभु, आज ना मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे लल्ला ने अपने बड़े होने का पहला संकेत दिया है। देखो ना आपने। हमारा झगड़ा अभी समाप्त ना हुआ है। तुमको अब भी बात ना करनी। मैया, अब मान भी जाओ ना। यशोदा, तुम जानती हो ना, मैं जो भी करता हूँ हम सबके भले के लिए करता हूँ। व्यर्थ ही कुछ ना छुपा तो मैं, इतना तो भरोसा है ना अपने पति पर, है ना? पर फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। जी क्या कर रहे हो आप? कान तो मुझे पकड़ना चाहिए। आवश्यकता से तनिक अधिक क्रोधित हो गई मैं, नहीं? मुझे पता है, मुझसे अधिक मेरा भला बुरा जानते हो आप। मुझे समझना चाहिए ना, यदि आप मुझे कुछ ना बता रहे तो इसमें भी मेरा ही हित होगा। इसे देखो कितना प्रसन्न हो रहा है, और इससे भी प्रसन्न इसकी मैया है। पहले पता होता कि मेरे करवट लेने से आप दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो मैं पहले ही ले लेता। सुनो जी, मैं ना सुलक्षना, सुमती और पूरे गोकुल को बता कर आती हूँ कि मेरे लल्ला ने करवट लेना सीख लियो है। फिर से पूरी महिला मंडली का सामना करना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। इस बार चुना है आपने असली योद्धा महाराज। खोदा पहाड़ और निकला कौआ। अवश्य ही आपके मस्तिष्क पर कोई गहरी क्षति पहुंची है महाराज। जो कार्य पूतना जैसी राक्षसी और सूक्ष्म बुद्धि जैसा कपटी न कर सका, वो ये नन्हा सा पक्षी कैसे कर पाएगा। कागासुर, बताओ क्या तुम में वो क्षमता, वो योग्यता है जो मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। आप आदेश तो दीजिए महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जो कागासुर नहीं कर पाए। नंद के घर में जो शिशु है उसे मेरे पास लेकर आओ, किसी भी मूल्य पर। जो आज्ञा महाराज। उस शिशु के विषय में जान तो लो। जितना आपने बताया उतना ही पर्याप्त है महाराज। कागासुर है स्वामी। कंस अवश्य इसे गोकुल भेज रहा है ताकि वो हमारे पुत्र को हानि। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। अब इधर हमारा झगड़ा बढ़ो और उधर लल्ला ने पलटना आरंभ कर दियो, फिर प्यारी सी किलकारी मारी और ऐसे करके पलट गो। छनमन को तो ऐसा लगो जैसे देखते ही रह गए। यशोदा जी अब तक 10वीं बार बता चुकी हो। अरे क्या बता चुकी है, मुझे ना बताएगी तो फिर से पूरी हरिकथा सुननी पड़ेगी। नारायण नारायण मौसी। आओ सुमती। कैसे हो नीलमणि? मैं उज्ज्वल। मित्रता करोगे? देखो मेरे पास हिरण भी है, घोड़ा भी है। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनूंगा। ये तो सत्य है, तुम मेरे बहुत काम आओगे मित्र। उज्ज्वल लल्ला को ना सता, जा उधर जाके खेल। हाँ क्या हुआ जीजी, कैसे हुआ बताइए ना। आज ना लल्ला ने पहली बार करवट ली है। ठहरो यशोदा जी, बार बार बताने से अच्छा है नीलमणि से कहो एक बार फिर करवट लेके दिखाए। जी अच्छा सुझाव दिया है तूने। लल्ला करवट लेके दिखा। क्या हुआ बोलो ना लल्ला को, जे तुम्हारी बात थोड़ी ना टालेगो। लल्ला करवट लेके दिखाएगो ना सबको। देखो कैसा हंस रहे जे। अभी करवट लेगो। लल्ला शीघ्रता से करवट ले ले, चल। सब ऐसे देख रही है जैसे नटनटी का खेल देखने आई हो। नीलमणि चल, मेरे कहने में करवट लेकर दिखा दे। मैं तो तुझे बहुत प्रिय हूँ ना। हाँ आप प्रिय तो हो, पर शेष सब भी तो प्रिय है मुझे। बालक मेरी कही मानते हैं, नीलमणि भी मानेगो। क्यों लल्ला, मानेगो ना? चल गलत कर देगा। तुतलाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य भाषा समझ आती है मुझे। जे किसी की ना सुनेगो, बस मेरी मानेगो। चल लल्ला, पलट के दिखा। इतना अहंकार, अब तो बिल्कुल नहीं लूंगा करवट। बस एक बार अपनी मैया की कहीं मान ले। जे क्या कर रहे है? अपनी मैया की लाज ना रखेगो। यशोदा जीजी, लगता है लल्ला को समझ नहीं आ रहा कि हम सब उसको क्या करने के लिए कह रहे हैं। जी सही कही तूने, इसे करके दिखाना पड़ेगा। उज्ज्वल इधर आ। अच्छा अच्छा अच्छा, उज्ज्वल करवट लेके दिखा लल्ला को। अरे ताई जी, करवट इतनी सी बात, कोई बड़ा कार्य करने को कहती आप? अरे करवट तो मैंने जन्म लेते ही सीख लिया था। कभी कभी तो ऐसी करवट लेता था कि पूरा गोकुल। बस बस बड़बोले, अभी बातें कम कर और करवट लेकर दिखा। अरे उज्ज्वल ऐसे ना, ऐसे ना, पूरा लेट जा, लेट जा। हाँ अब तू करवट लेके दिखा। देख लल्ला, करवट लेके दिखा। उज्ज्वल अनिक फिर से करियो ऐसे। नीलमणि, मैं तो तेरे संग खेलने आयो था, यहाँ तो विहाम करना पड़ रहा है। लल्ला चल वहां जाके खेल। यशोदा जी, आप नंदराज के साथ फिर से एक बार झगड़ लियो। क्या पता आप दोनों को झगड़ते देख नीलमणि फिर से करवट ले ले। ये भी बढ़िया सुझाव है तूने। सुनो जी। ना यशोदा, बोलना भी ना। अरे अरे इन्हें आपस में कहाँ उलझा रही है? लड़ना झगड़ना तो तेरी कला है, क्यों री सुलक्षना? कोई बात ना है जीजी, अब तो करवट बदलना आ गया है, इसे फिर कभी देख लेंगे, है ना? हाँ हाँ चलो, पर फिर आएंगे। हाँ ठीक है जीजी। ना कोई ना जाएगा लल्ला का करवट देखे बिना। थोड़ा समय और रुक जाओ। कितनी देर करवट ना लेगो? ये शीघ्र ही लेगो, धनिक और प्रतीक्षा कर ले। लेगो ना लल्ला करवट। तुम सबने बहुत सताया है मुझे, अब मेरी बारी है। ऐसे ही बैठी रहो और करो प्रतीक्षा। कस्तूरी कहाँ देख रही है? लल्ला को देख, नहीं तो जे करवट ले लेगो तू रह जाएगी। जानकी बैठ जा। इतनी भी क्या शीघ्रता है? भूख लगी है क्या? मैं कुछ ले आती हूँ खाने को। किंतु कोई अपने स्थान से हिलेगा ना, और दृष्टि तो बिल्कुल ना हिलनी चाहिए, समझ आई? लो, मैं तो इनको सता रहा था, उल्टा मैया पर ही आव भगत का दायित्व पड़ गया। इससे तो अच्छा है मैं करवट ले ही लूं। ले रही है। देखो तुम सबने। कितना अद्भुत था ना? ना देखो। नहीं जीजी, हम सब फिर से चूक गए। आओ कागासुर, अब सब मिलकर करेंगी तुम्हारा स्वागत। कैसा कागा है रे तू? तेरे कारण मेरी सहेलियां नीलमणि का करवट ना देख पाई। अभी आना था तुझे? ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। ठहरिए, हमें कौवों का अपमान ना करना चाहिए। हमारे पूर्वजों के प्रतिनिधि होते हैं जी, अपितु हमें तो इनका सत्कार करना चाहिए ताकि शनि की वक्र दृष्टि हम पर कभी ना पड़े। क्षमा करना कागा महाराज। कागा महाराज नहीं मैया, कागासुर है ये। जइयो मती ना, मैं अभी आपके लिए दही चावल लेके आई। तो ये है वो। क्षमा करना काका महाराज, चलो भोजन कर लो। हाँ हाँ काका महाराज, खा लो। नहीं तो जैसे लल्ला की करवट लिए बिना हम यहाँ से नहीं जा पा रहे, वैसे ही यशोदा जी आपको ये खाए बिना यहाँ से जाने ना देगी। तुम कहना क्या चाहती हो सुलक्षना? हट करती हूँ मैं, बिल्कुल ना, है कि ना? हाँ 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 हाँ। हम सबसे कोपित हो गए काका महाराज। सब विनती करो जो खा लें। थोड़ा सा तो खा लो, तो खा लो। कैसे खाऊं ये घास फूस? केवल कोमल मांस खाता हूँ मैं। सेवा ही करनी है तो वो लेकर आओ। खा लो ना काग महाराज, कहीं हम पे शनि देव की वक्र दृष्टि न पड़ जाए। शनि की दृष्टि पड़े ना पड़े, मेरी दृष्टि पड़ चुकी है उस पर जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब कितनी प्रार्थना करवाओगे कागा महाराज? खा भी लो। ये सब तो पीछे ही पड़ गई, इनसे मुक्ति पानी है तो खाना ही पड़ेगा। ये तो बस आरंभ है कागासुर, तुम्हारा असली स्वागत तो मैं करूँगा। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। काका महाराज ने खा लो। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब हम यहाँ से जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, 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 चलो। हो गया महाराज, आज का आतिथ्य बहुत हो गया, अब कल आइयो। अरे सब, अरे सुनो तो सब। यशोदा, मैं तनिक गांव की व्यवस्था देख कर आता हूँ। ठीक है जी, जाओ। आज बहुत नखरे दिखाए तूने लल्ला, किंतु प्रतिदिन ऐसा ना चलेगा। अपनी मैया की कही माननी पड़ेगी, समझ आई? कछुआ की कड़ाई तो ना कर रही मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत शैतानी कर लियो। आज मेरे लल्ला ने करवट ली है। फिर बैठना सीखेगो, फिर चलना दौड़ना, फिर खेलना भी सीखेगो। नए नए मित्र बनेंगे। इन सब में अपनी मैया को भूल तो ना जाएगो। बोल। कितनी बात करती है ये, और वो भी ऐसे जैसे बालक को सब समझ में आ रहा हो। माँ की हर बात संतान को बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कागासुर, पर ये तुम नहीं समझोगे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कैसी ध्वनि है? कौन है रसोई में? उज्ज्वल, ये सब तूने करो है? ना ताई जी, ना ना ताई जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ। वो कौवा था, पुरुष और कौवा। चुप, मैं सब समझ रही हूँ, बहाने बना रहा है ना? ये क्या गति कर दी मेरे रसोई की? अब बस ये कछु खाने के लिए ढूंढ रहा होगा, है ना? ना ना ताई जी, चले आगे से ऐसा मती ना करियो, समझा? अब जा, लल्ला का ध्यान रखना। जे मुंह पोछ, जा मुंह पोछ। जे आएंगे तो तुझे घर छोड़ाएंगे, जा। सब समेटना पड़ेगा। कुछ और गिराना शेष रहेगा है, तो जाओ नहीं तो। कौवा पुरुष, कौवा पुरुष, आजकल के बालक। मैया है सुमती, और ये संकरी मौसी, ये कैसी दादी है? मैं बालक को ही भूल गई। अरे मैं श्वास लेना भूल जाऊं, किंतु अपने लल्ला को ना भूलूं।